दोस्तों, सनी लियोनी आज बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है। हमेशा होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखने वाली सनी लियोनी की बॉलीवुड में आने की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन स्कूल की सबसे शर्मीली लड़की करणजीत कौर घपाघप वाली पिक्चरों में कैसे आई? दोस्तों, आई तो आई, फिर उसके बाद ऐसी छाई कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो गए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स किताब पर। घपाघप पिक्चरों की स्टार करणजीत कौर कैसे छा गई युवाओं के दिलों पर? दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, दरअसल करणजीत कौर के बदलने का दौर तब आया जब वह सिर्फ 19 साल की थी। सनी इस समय करणजीत कौर हुआ करती थी। दोस्तों, ढपा ढप मूवीज में काम करने से पहले करणजीत ने अपना नाम सनी कर लिया था, और ये सनी नाम उनके छोटे भाई का था। इसके बाद बॉब नाम के एक प्लेबॉय मैगजीन ने उन्हें लियोनी नाम दिया। फिर क्या था, वह बन गई सनी से सनी लियोनी। दोस्तों, सनी लियोनी एक बार एक एजेंट के पास गई तो उसने उन्हें एक फोटोशूट के बारे में बताया, और फिर सनी ने उस प्लेबॉय मैगजीन के लिए शूट किया। दोस्तों, जब ये मैगजीन छपी तो सनी ने उन सारी मैगजीन को खरीद लिया जो उनके इलाके में बिकने आई थी, ताकि उनके जानने वाले ये मैगजीन ना देख लें। उसके बाद सनी को वैसी वाली मूवीज के लिए ऑफर आने लगे, लेकिन सनी ने साफ कह दिया वह पिक्चर्स तो करेंगी, लेकिन किसी आदमी के साथ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ करना पसंद करेंगी। जिसके बाद सनी बन गई एक सेलिब्रिटी जिसके करोड़ों दीवाने बन चुके थे। दोस्तों, इसके बाद उसी साल सनी ने 6 घपाघप फिल्मों के लिए ऑफर्स आए, जिनमें उन्हें आदमियों के साथ शूट करना था। दोस्तों, इस बार सनी ने ये भी करने के लिए राजी हो गई, लेकिन इन फिल्मों में जो आदमी था वह सनी का बॉयफ्रेंड ही था। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। उसके बाद सनी का एक दूसरा बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम था रसेल, लेकिन रसेल का रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद 2008 में सनी डैनियल वेबर से मिली। डैनियल वेबर नहीं चाहते थे कि अब सनी अब घपाघप वाली फिल्मों करें। डैनियल ने इसलिए घपाघप फिल्मों की दुनिया में एंट्री मारी क्योंकि दोस्तों सनी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें 6 फिल्में करनी थी, और फिर दोनों ने छठी और लास्ट फिल्म मिलके साथ करी। इसी के बाद दोस्तों सनी के छोटे भाई को इन सभी हरकतों के बारे में पता था, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह तो सनी को सपोर्ट करते थे। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी तब वो सनी का ऑटोग्राफ बेच दिया करते थे। कुछ समय बाद जब सनी की माँ को सनी की सारी सच्चाई का पता चला तो वो काफी निराश हुई और शराब का सहारा बना लिया, जिससे कुछ साल बाद सनी की माँ की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ कुछ सालों के बाद सनी के पिता के कैंसर की वजह से भी मौत हो गई। दोस्तों, सनी ने अपने माता पिता की अस्थियां भारत की गंगा नदी में ही बहाई दी, और इसी वजह से सनी हर साल गंगा नदी पर जाती हैं ताकि वे अपने माता पिता का आशीर्वाद ले सकें। इसके बाद साल 2013 में सनी ने अपनी पुरानी इंडस्ट्री बिल्कुल छोड़ दी। फिर इसके बाद महेश भट्ट ने अपनी फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच किया, और जब से अब तक सनी कई बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुकी हैं। आज सनी का खुद का परिवार है और उनके 3 बच्चे भी हैं, जिनका नाम है निशा कौर वेबर, ऐशर सिंह वेबर और नो सिंह वेबर। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई कि आखिर ऐसे अतीत से नाता रखने वाली कैसे बॉलीवुड में काम कर सकती है। सनी ने तमाम मुश्किलों और चुपते हुए सवालों के बीच बॉलीवुड में अपना पैर जमाए रखा, और आज सनी हिंदी फिल्मों में किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। दशकों से बॉलीवुड में जमी किसी दूसरी विदेशी हीरोइंस के मुकाबले सनी अच्छी हिंदी बोलने भी लगी हैं। इतनी शोहरत और नाम के बावजूद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें सोने नहीं देती। सनी इस बात को लेकर बॉलीवुड को शुक्रिया करती हैं कि उन्हें यहाँ इतना सारा प्यार और काम मिला, पर वहीं दूसरी तरफ कई बार उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि उनका अतीत क्या था। दोस्तों, सनी अपने पति और बच्चों के साथ खुश है,
उनका कहना है कि हम तीन बच्चों के खुशकिस्मत माता पिता हैं। तो दोस्तों, आप सभी को सनी लियोनी कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स किताब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखना।